फ्लाई कर पाओगे? पहुंच गए हैं फार्म पे, लेकिन लेकिन पूरा प्लान का चौपट हो गया। मेरे पास आओगे? डर नहीं लगता है तुमको? काटोगे? तुम क्या कहना चाहते हो? सारे मछली के लिए दाना देना होगा। हाँ देखो देखो कैसे खा रहा है। चलो तो हम लोगों का बजीस का जो कॉलोनी रेडी करना था वो तो लगभग पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अभी जाएंगे जुल्फिकर भाई के घर में, और उज्जवल दा स्पेशली उज्जवल दा आज हम लोगों के साथ है। कल रात को आया था। तो चलिए हम लोग तैयार हो गए हैं, जुल्फिकर भाई के घर में जाएंगे और बहुत सारा खूबसूरत सा बजीस पैरट्स और बहुत सारा कॉकटेल्स भी लेके आएंगे। इसी के लिए एक केज ले लिया है। एक केज भी शायद थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, तो क्या करेंगे जुल्फिकर भाई के वहाँ से कोई ना कोई केज ले लेंगे। ये देखो यही तो गांव का खूबसूरती है, और सच में यहाँ का जो हवा है ना एकदम मन को ठंडक पहुँचा देते हैं। ए रुक जाओ रुक जाओ, रुको 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 रुको, यहाँ जो सारे पिजन्स देखा ना बहुत खूबसूरत लगा, यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ा। और इसे चीला पायरा बोलते हैं, लेकिन कलर देखो कितना सुंदर है, और ऊपर देखो चलो कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है, और फिलहाल जल्दी जाना है जुल्फिकर भाई के वहाँ। बाद में एक दिन आएंगे और फिर से लेके जाएंगे। थोड़ा सा तो रुकना पड़ा, ऐसी चीज़ देख के कौन जा सकता है। देखो हाँ एक अलग ही डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत है, और अभी पकने वाला है सब। गाड़ी किसका खड़ा है यहाँ? जुल्फिकर भाई का घर में शायद कोई आए हैं। भाई नमस्कार। ओ जुल्फिकर भाई ये कब लाया? नमस्कार। हाँ हाँ ये कब लाया? बहुत दिन पहले से है। तो पिछले बार तो देखा नहीं? हाँ किधर। ओ चलो भाई आज सारे बजीस लेके जाएंगे और बहुत सारा कॉकटेल। कोई मुश्किल नहीं, मैं भी थोड़ा बाहर का ऑर्डर है जाएगा ये सब। कहाँ? ठीक है जी। अरे बाप रे ये सब कहाँ जाएगा? ये आसाम जाएगा। अच्छा हैदराबाद जाएगा। सबके सब तो दे दिया है, मेरे लिए कोई अच्छा कुछ है नहीं। देखो इस केज का गेट तो ओपन है। कॉकटेल डालना बाकी है अभी। ओ कॉकटेल डालेंगे जी। कॉकटेल डालना है, उसमें भी कॉकटेल डालना है। मतलब कितना पेयर है टोटल? टोटल 800 पीस होगा। टोटल 800 जी। हाँ पकड़िए तो अंकिल जी, एक बार देखना चाहूँगा। ये देखो जुल्फिकर भाई कितना खूबसूरती के साथ सारे केजेस बनाया। ओ अंदर नीचे कॉकटेल जाएगा? इसमें कॉकटेल जाएगा बेटा, पकड़ रहा है कॉकटेल अंदर। अच्छा ऊपर बजीज है, यहाँ लबर्ड, नीचे नीचे क्या है? ओ डव। देखो कितना सुंदर है। हाँ डायमंड डव, और इस साइड फिंचेस। वाह, और वहाँ वहाँ लबर्ड भी है, यहाँ बहुत सारा बजीज है। जो गया था ना उसमें 10 पीस कॉकटेल जाएगा। अरे पहले बताओ हमको आज मिलेगा या वापस चला जाएगा? मिलेगा मिलेगा। सब तो चला गया? नहीं किधर चला गया दादा, इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? ओह ये तो हजार। ठीक है नहीं जुल्फिकर भाई पहले आप छोड़ दीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना? नहीं मैं तो चला जाएगा, आपके लिए इंतजार में है। ठीक है भैया वो आप चले जाएंगे? जाना है तो आज हमको मिलेगा? नहीं 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 मिलेगा, आपके लिए मैं टाइम दूंगा दादा, कोई टेंशन। अभी अभी टाइम दूंगा, बंदा है भाभी भी है वो भी पकड़ के देगा। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं मिलेगा। पहले तो सोचा था कि आज ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा मिलेगा। चलो 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 हो गया। और जुल्फिकर भाई का यहाँ आना मतलब भर पेट खाना खिलाएंगे, उसके बाद मतलब उससे पहले कुछ करने ही नहीं देंगे। चलिए दादा हाँ जुल्फिकर भाई को भी निकलना है। और ये देखो ये जो केज है ना, केज साइज एकदम सही है, मतलब केज के हिसाब से बारिश भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आराम से यहाँ रह सकता है। खाली जहाँ धूप है वहाँ वहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ अभी चला जाएगा, गाड़ी आ गया। हाँ लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी है वहाँ धूप नहीं लगना चाहिए, और गर्मी का मौसम है जैसे कहा था, बहुत अच्छे से वाटर बोतल वगैरह सब रेडी हो गया। जाने से पहले हमको जल्दी जल्दी छोड़ दो गाइस। हाँ हाँ हाँ। अच्छा उज्ज्वला देखिए कौन सा केज में जाएंगे। संजय अच्छा उसका पैर में ना कुछ अटक गया है। अच्छा अच्छा। अरे रुको 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 देखो ये थोड़ा एज कम है, लेकिन बहुत सुंदर कलर है।
ओए पकड़ लिया। और ये सारे बेजी स्पैरट का ना काट खाने में बहुत मज़ा आता है। खून तो नहीं, ओए अरे नहीं यार बहुत जोर से काट रहा है। यहाँ देखिए यहाँ ब्लू का छीटा भी है, कितना खूबसूरत है। देखो तो मेल या फीमेल है, ये मेल होगा शायद। जुल्फिकर भाई मेल है या फीमेल है ये? नहीं मेल। जुल्फिकर भाई आप आज बहुत बिजी है, भाभी जी हमको हेल्प करेगी पकड़ने में। दो पांच दिन के अंदर तो यहाँ सारा मटकी लगाएंगे, तो यहाँ से ज्यादा नहीं लेंगे, वहाँ सामने जो रखा है वहाँ भी यहाँ से भी ले। नहीं 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 दादा, यहाँ से मन रखने के लिए एक दो ले लिया, लेकिन ये होता है। और बेजी स्पैरट एडल्टहुड में कितना दिन लगता है? ज्यादा दिन तो नहीं लगता है, 2-3 महीना, मतलब जब लेते हैं 1 महीना हो जाता है और 1-1.5 महीने के बाद ही तो ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों वहाँ से क्यों ले? वाओ देखो यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर कलर है, दो कलर वो सच में यहाँ से ही लेना होगा भाई। दे लो करके। नहीं दादा जो कलर है ना, हाँ हाँ ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा येलो व्हाइट, यहाँ येलो और व्हाइट बहुत सारा है। हाँ वो वाला ले लीजिए ब्लू। हाँ 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 वो वही कलर दादा। बॉडी देखो। हाँ 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 बापरे ये मेल है। वो कलर देखो। नहीं नहीं वो है ब्लू। चलो 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 दादा रंगोली खेल लिया है। पैदल है ना दादा? हाँ हाँ ये बाबरी बाबरी अंडा खराब हो गया। नहीं भाभी जी ने जो दो दिया बहुत अच्छा है। देखिए ब्लू फुल एडल्ट। 2-3 दिन के बाद छोटा वाला जिसमें फीस पकड़ा था वही वाला केज लेता हूँ। आम का जो एडल है वो फीस कराने के लिए रखा है। 100 पेयर से भी ज्यादा है तो यहाँ से दे लो दादा एक दो। ये देखो जुल्फिकर भाई को सब मिलके सपोर्ट करते हैं। भाभी जी बहन जी सब कितना एक्सपर्ट की तरह बर्ड पकड़ते हैं। देखो ऐसे खचाखच पकड़ा और केज का अंदर। हाँ 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 देखो 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 कॉकटेल काटता बहुत तेज है फिर भी एक्सपर्ट की तरह। जाने वाला कॉकटेल है वो सब पकड़ के रेडी कर दिया। और देखो कितना खूबसूरत तरीके से कितना जल्दी जल्दी भाभी जी सारे काले चने पनीर दिया हुआ और सारे और ये तो इन लोगों का हर दिन का काम है। तो क्या नहीं अंदर तो सब दिया हुआ है, ऊपर तो सब ऑलरेडी दिया हुआ है। काले चने पनीर दिया हुआ है, सनफ्लावर सीड्स डालने जब ऊपर से लगभग है और ये देखो बॉडी मतलब दादा क्या ही बताऊं बहुत ही हेल्दी है। बस बहुत जबरदस्त बॉडी है दादा। यहाँ तो सब मेल फीमेल करके सब है ना। हाँ हाँ देखो जबरदस्ती पकड़ाएंगे ठीक है। चेस मतलब सच में बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, लेकिन बाट को एक एक मुट्ठी में पकड़ में नहीं आ रहा है। और ये देखो डायमंड डायरेक्ट लेके जाएंगे सर संजय नेक्स्ट और क्या बोलेगा आपको कम मत लीजिएगा दादा। लोगों को जो देते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा करके बताइए। नहीं 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 जो बंदा को देता है उसी रेट से दादा 2500 करके दीजिए कोका दर। अच्छा ये 320 कर 320 कर दीजिए 2500 कर दीजिए। टोटल कितना हो रहा है इसका? 10,000 हो रहा है टोटल 18,000। आठ हज़ार 8,000 8,000 8,000
तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और दिल की कार्रवाई का तो हर दिन ये काम है, मतलब ऐसे निकलता ही रहता है। और सेफली गर्मी का मौसम में थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन मतलब के हिसाब से बारिश बहुत कम है और पानी का और खाना दाना पानी का तो सब एकदम परफेक्ट बंदोबस्त करके भेजते हैं। इसी के लिए ज़्यादा मॉडलिटी रेट रहता है थोड़ा, अगर 10 पीस मॉडलिटी या 2 पीस मॉडलिटी हो गया तो नेक्स्ट ऑर्डर में कोई नेक्स्ट ऑर्डर करता है तो मैं 1 पीस 2 पीस दे देता है, अगर कोई नहीं रहता तो उसका पैसा मैं रिटर्न। लेकिन देखा पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट हुआ है, सारे ट्रैवलिंग के लिए कितना सुरक्षित बनाया जाता है, अंदर पानी और पूरा एकदम प्रॉपर वे में जो होना चाहिए इन लोगों का सेफ्टी के लिए वैसे करके ही भेजा जाता है। जी फिर मेरे कॉकर जी कहाँ गया? टाटा बाहर बहुत तेज गर्मी है, इसीलिए ये बाहर से आया तो थोड़ी देर के लिए ही लोग पंखे का नीचे ऐसे रखेंगे और जब थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग का एरिया में रविया सही तो कॉमेंट करके कहना है कि ये सारे जो बाहर से आया लेके आए हैं हम लोग का फार्म के लिए और आप सभी को कितने ज़्यादा पसंद आया। और इस तरह की कॉकटेल से देखिए, मैं अगर मतलब कहूँगा तो कैसे समझेंगे आप लोग पता नहीं, सच में एकदम परफेक्ट है, मतलब जैसे साइज वैसे हेल्थ और वैसे लेकिन पूरा प्लान का चौपट हो गया। जहाँ से मटकी वगैरह लाना था वो जो दुकानदार है वो 4 दिन पहले से, मतलब बंगाली में हम लोगों का जामाई षष्ठी होता है ना, तो जामाई षष्ठी के लिए वो ससुराल गए हैं पूरा 4 दिन। 4 दिन पहले से हम लोग हर रोज जाते हैं और वहाँ उनका दुकान बंद। आज सोचे थे कि आज सुबह ही मिलेगा, मतलब पहले से थोड़ा बहुत रेडी करके लिए है, सिर्फ मटकी लगाना है और कॉकटेल्स का कॉलोनी में 2 चार लकड़ी तो एक ही साथ लगा देंगे, लेकिन आज भी उनका दुकान बंद है और ये सारे बात को भी लेकर चला आया। तो अभी क्या कर सकते हैं, फिलहाल अभी के लिए तो छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जब वो आएंगे तभी मटकी ले आके और भी लगा देंगे। फिलहाल अभी तो इन लोगों को छोड़ देना है क्योंकि इतना छोटा सा केज में इतना गर्मी का अंदर ज़्यादा देर रखना सही नहीं रहेगा। पहले सारे बजीज को छोड़ देंगे उसके बाद सारे कॉकटेल्स को। बजीज के कॉलोनी में तो सब कुछ रेडी है, सिर्फ और एक पेड़ पौधा और कुछ मछली ही लगा देना है। चलो 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 सारे बजीज देखो, जाओ 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 जाओ। कितना सुंदर लग रहा है देखो, वही पहला वाला फील, पुराना वाला फील, बहुत दिन पहले मतलब 3 साल पहले जो किया था वैसे ही, लेकिन इस बार पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का कोशिश करेंगे। चलो 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 जाओ जाओ। हाँ ये वाला जो है ना, मैंने कहा था कि इसको मैं घर पे रखूँगा और टेंट बनाऊँगा। देखो देखो कितना सुंदर है, देखो फ्लाई कर पाओगे? नहीं वो अभी छोटा है, छोड़ दिया है सारे बजीज को और उस साइड जाके पूरा इकट्ठा हो गया, लेकिन इतना बड़ा कॉलोनी में इतना सारा बजीज मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में और भी बहुत सारा लेके आएंगे। और इन लोगों का जो कलर है देखिए, ये जो मल्टी कलर है इतना खूबसूरत है, गौर से आप देखेंगे हर एक का कलर। और थोड़ा जल्दी में था फिर भी जो लिया हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और भी बहुत सारा बजीज को लाएंगे और उसके बाद जो करना है ये सारे नेस्ट बॉक्स भी बहुत सारा लगाएंगे, मटकी भी लगाएंगे। फिलहाल अभी कॉकटेल्स को छोड़ देते हैं और ये जो पेड़ को लगाया देखते हैं कितना
कितना दिन रहता है, और क्रोकोडाइल्स का कॉलोनी में भी बहुत सारा काम करना है यहाँ भी। और ये तो मेरा वही पुराना वाला क्रोकोडाइल्स का कॉलोनी, यहाँ तो पहले क्रोकोडाइल ही रहते थे, उसके बाद तो हो गया सब। सनकॉर्नियर्स का, कॉकाटूस का केयर रखने के लिए जगह नहीं था, इसी के लिए यहाँ वहाँ करना पड़ा था। फिलहाल अभी नया फार्म बन रहा है और इधर उधर नहीं होगा। हाँ अंकल जी लगा दीजिए। हाँ ठीक है। अरे जाओ ये, गुड, जाओ 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 जाओ। और कलर देखो कितना खूबसूरत है। अरे जाओ यार, बैकिंग क्यों आया? क्या पकड़ के? ये तो देखो देखो, वो निकल गया। और जैसे है वैसे ही सुंदरता, बहुत खूबसूरत है। मेरे पास आओगे? डर नहीं लगता है तुमको? काटोगे? तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हाँ ये शायद टेम होगा, इसी के लिए इतना कॉन्फिडेंट के साथ इतना करीब बैठे हैं। क्रोकोडाइल थोड़ा साई बर्ड होता है, थोड़ा ज़्यादा डरता है, लेकिन जो टेम्ड होता है वो एकदम चिपक के रहता है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये नहीं काटना है। मैंने तो सोचा था कि तुम वाइल्ड हो, तुम तो बहुत अच्छा टेम्ड हो। अरे हमको छोड़ो, हमको जाना है अभी। क्या कंधे पर रहोगे? ये देखो, मैंने सोचा नहीं था, एडल्ट है, ब्रीडिंग के लिए लाया था, लेकिन ये तो टेम निकल गया। और यहाँ भी इतना बड़ा कॉलोनी में क्रोकोडाइल्स का संख्या तो बहुत कम हो गया है। लाएंगे बहुत सारा लाएंगे, पहले जैसे था वैसे ही करेंगे, और आगे से तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये क्रोकोडाइल्स के लिए, तो क्रोकोडाइल्स के लिए ही रहेगा। यहाँ भी एक बहुत सुंदर सा पेड़ लगा देंगे, और यहाँ से तो धूप आता है, यहाँ से भी धूप आता है, तो पेड़ रह जाएगा। खाली ये लोग अगर काटेगा तो खराब होगा, नहीं तो रह जाएगा। और यहाँ देखिए सारे सनकॉर्नियर्स एकदम झुंड बना के इकट्ठा होकर बैठा है। हाँ सनकॉर्नियर्स का जब पूरा कलर सा जाता है ना, कितना सुंदर लगता है। और अभी तो कड़ी धूप, कड़ी तेज धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी के लिए यहाँ शेड के नीचे ऐसे आराम से एक साथ इकट्ठा होकर बैठा है। अरे तुम जाओ यार, अभी अभी वीडियो ख़त्म हो गया, अभी हमको बाहर जाना है, बहुत सारा काम है। आ जाओ, गुड बॉय, गुड बॉय। इसको ब्रीडिंग के लिए रखे या ऊपर ले जाए टेम बनाने के लिए, घर में रखने के लिए? अंकल जी बताइए क्या करना है इसका। हाँ देखो राजू, जो आज लेके आए हैं ना, तो ये सेम निकला, ये कहीं नहीं जा रहा है। इसको घर लेके चलूं? घर लेके चलूं? हाँ। देखो अगर गया, अंकल जी बंद कीजिए, अगर गया तो पीछे पीछे भागना पड़ेगा, एकदम धीरे धीरे। जो लेके आए थे ना, हाँ। वो तो टेम निकला, जल्दी से आओ, आओ। ये देखो एक डेढ़ घंटा हो गया ना। हाँ लाइए लाइए, पानी लाइए, पहले पानी लाइए। चलो तो पियो, पिएगा देखो। मैं दे रहा हूँ, पियो। अंकल जी लाइए, बोल पका लिया। हाँ खाना खा लो। बहुत ब्यूटीफुल, और हेल्थ देखो बहुत अच्छा। क्रोकोडाइल्स मतलब ये फीमेल होगी शायद। रुद्रा रुद्रा देखो। चलो तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और एकदम एकदम फुल फिट जिसे कहते हैं, पूरा एक्टिव। अभी इन लोगों को ले जाके ओपन एवियरी में कुछ दिन के लिए छोड़ेंगे, 2-3-4 महीना। उसके बाद इतना बड़ा एवियरी के अंदर उठते हुए जब पूरा एकदम और भी एक्टिव हो जाएगा, 100% एक्टिव है। कोई भी केज्ड बर्ड का अंदर इतना एक्टिव बर्ड मैंने आज तक नहीं देखे है। ये ले लो। और A19 है, जब तक A19 है तब तक कोई हेल्थ के लिए कोई इश्यूज नहीं रहेगा। मतलब क्या कहूँ, आज से 4-5 साल 6 साल पहले से ही A19 का ऊपर ऐसे भरोसा हो गया, न्यूट्रीबर्ड का ऊपर क्या ही बताऊँ। वो है तो सारे बर्ड का हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वाइल्ड है तो तभी दिक्कत है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रूट वेजिटेबल्स देते हैं उसके साथ भी A19 मिक्स करके दे सकते हैं, या जो एग फूड देते हैं उसके साथ भी A19 न्यूट्रीबर्ड का वो भी मिक्स करके दे सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ करके उन लोगों का बॉडी का अंदर चला जाएगा, तो मतलब न्यूट्रिशन का थोड़ा सा भी डिफिशियंसी नहीं रहेगा। चलो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो।